हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ। पेंशन बढ़ोतरी पर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिसमें 65 साल में 5% की वृद्धि, 70 साल में 10% की वृद्धि रेस्पेक्टिवली, ऐसे ही 75 साल में 15% की और 80 साल में 20% वृद्धि की पर मुहर लग सकती है। संसद समिति की जो है मंजूरी मिल सकती है। क्या है पूरी खबर, डिटेल में जानेंगे। पूरी खबर को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर हिट करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू उसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन से रिलेटेड बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें संसद की एक समिति ने पेंशन भोगियों की शिकायत का निस्तारण 60 दिन के निर्धारित समय सीमा में नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार से मुख्य शिकायतों वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा उनकी व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए सामाजिक ऑडिट पैनल गठित करने को कहा है। पिछले कुछ वर्षों में पुनः पंजीकृत शिकायतों की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए समिति ने एक जवाबदेही तंत्र स्थापित करने और उचित गुणात्मक कार्रवाई के बिना शिकायतों को सरसरी तौर पर निस्तारित करने के लिए संबंधित शिकायत निवारण अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की व्यवहार्यता का पता लगाने का सुझाव दिया है। इसने सरकार ने पेंशनभोगी संघों की 65 वर्ष की आयु पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए भी कहा है। यानी अगर ऐसा हो जाता है तो जो 65 साल के पेंशनर्स हैं उनको 5% एक्स्ट्रा पेंशन, 70 साल के जो पेंशनर्स उनको 10%, 75 वर्ष के जो पेंशनर्स उन्हें 15% और 80 वर्ष के जो पेंशनर्स हैं 20% एक्स्ट्रा पेंशन यानी अतिरिक्त पेंशन पर विचार करने के लिए भी कहा है। विभाग से संबंधित कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन संबंधी संसद की स्थायी समिति ने सिफारिशें पेंशन भोगियों की शिकायतें पेंशन अदालतों का प्रभाव और केंद्रीकृत पेंशन भोगी शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में किया है। आप देख सकते हैं CPENGRAAMS पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण और प्रभावी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत वेब सक्षम पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली है। पेंशन भोगी अपनी शिकायतें ऑनलाइन या पेंशन भोगी संघों के माध्यम से डाक से भेज सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अगर उनकी मांग मान ली जाती है इस समिति की, जिसमें 65 वर्ष की आयु पर 5%, 70 वर्ष की आयु पर 10%, 75 वर्ष की आयु पर 15% और 80 वर्ष की आयु पर 20% एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है तो पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर होगी। अब इससे रिलेटेड कोई ना कोई अभी ऑफिशियल अपडेट जरूर आएगा, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा, इसको शेयर जरूर।